हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको एक नई बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह है ना, इसमें क्या दिखता है कि जैसे ही हमारे एजेड होते हैं तो उसमें उनका पैर में ना काफ मसल में दर्द स्टार्ट होता है। जैसे कोई चलना स्टार्ट होते करते हैं ना, तो थोड़ा दूर चलने के बाद दर्द स्टार्ट होता है और फिर वो आगे चलने के बाद ना वो ठीक हो जाता है। और फिर वो और बीमारी प्रोग्रेस होता है तो क्या होता है कि जैसे वो चलना स्टार्ट किए तो चलने के बाद भी चलने चलना स्टार्ट किया तो दर्द स्टार्ट हुआ और फिर वो दर्द ठीक नहीं होता। और चलने से वो दर्द के साथ चलते हैं इंसान, इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता कि उनको रुकना पड़े। और फिर वो और प्रोग्रेस होता है तो चलना स्टार्ट किए दर्द हुआ और फिर दर्द के कारण रुकना पड़ जाता है, दर्द ठीक होता है तब वो चलते हैं, इतना दर्द होता है। और फिर ये और प्रोग्रेस होता है तो ये रेस्ट पेन भी देता है, रुकने से दर्द नहीं रुकता है, लेटे लेटे आपको दर्द देगी, फिर आगे आप प्रोग्रेस करके अल्सर बनेगा। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, ये आर्थरोस्क्लेरोसिस है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है और ये बहुत से बड़ी कॉम्प्लिकेशन दे सकती है। अल्सर तो होगा ही, साथ में आपको बड़ी से बड़ी ऑपरेशन करनी पड़ सकती है। और एजेड लोग का आप समझ सकते हैं कि उनको चलना ऐसे ही मुश्किल होता है, दिक्कत होता है, और अगर उनको अल्सर हो गया, बेड पे लेटे रहेंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो आप जाएँ कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में, डॉक्टर से मिलें, उनका सलाह लें, ट्रीटमेंट लें और अपने पेरेंट्स को बड़ी से बड़ी सर्जरी होने से, कॉम्प्लिकेशन होने से बचाएं। खुद डॉक्टर नहीं बने, कुछ प्रॉब्लम हो डॉक्टर का सलाह लें, क्योंकि जो डेप्थ में डॉक्टर्स हो सकते हो एक आम इंसान नहीं सकता, मेडिकल साइंस बहुत डीप है। सो गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सिम्टम्स दिख रहा हो, यू कैन कंसल्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम और इन कमेंट्स यू कैन टेक्स्ट मी। एंड गाइस, तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सो टाटा, बाय बाय एंड गुड विशेज, वेल विशेज टू योर पेरेंट्स कि आप समझे चीज़ों को और डॉक्टर से दिखाएं उनको, और बड़ी से बड़ी समस्या होने से, सर्जरी होने से, कॉम्प्लिकेशन होने से रोके। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।